हेलो एंड वेलकम टू स्टडी विथ मी। तो कैसे हैं दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप अपना और अपने पढ़ाई का काफ़ी अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। आज का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि बिहार के द्वारा जो है वो शिक्षक के करीब 170,461 पद पर नियुक्ति की जाएगी, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि इसका जो चयन होगा इसमें इंटरव्यू का जो सिस्टम है उसे हटा दिया गया, यानी बिना इंटरव्यू किए ही वो चयन किया जाएगा। और एग्ज़ाम जो कंडक्ट कराया जाएगा वो बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी के द्वारा कराया जाएगा। तो क्या है पद, कैसे आप लोग फॉर्म भर सकते हैं, क्या क्या आयु सीमा है, आवश्यक योग्यता क्या है, सभी चीज़ों को आज के सेशन में मैं डिस्कस करूँगा। तो अंत तक बने रहिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ये पोस्ट जो है वो निकाला गया है। तो बिहार में भरे जाएंगे शिक्षक के 170,461 पद, बिना इंटरव्यू होगा चयन। शिक्षण के क्षेत्र में करियर बनाने के इच्छुक युवाओं से बिहार लोक सेवा आयोग ने 170,461 पदों पर आवेदन आमंत्रित किया है। आप प्राइमरी माध्यमिक या उच्च माध्यमिक टीचर बनने की ख्वाहिश रखते हैं तो जाने इन पदों के बारे में विस्तार से, ठीक है। काफ़ी अच्छा पोस्ट है ये, काफ़ी ज़्यादा मतलब शिक्षण का जो क्षेत्र है वैसे भी काफ़ी अच्छा ये पोस्ट माना जाता है और बीपीएससी के द्वारा लिया जा रहा है। तो और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पद जो है वो निकाले गए हैं। तो बिहार लोक सेवा आयोग ने बिहार में शिक्षकों के 170,461 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इस बहाली प्रक्रिया के तहत प्राइमरी टीचर, माध्यमिक टीचर और उच्च माध्यमिक टीचर की नियुक्ति की जाएगी। चयनित उम्मीदवारों का प्रोबेशन पीरियड 2 वर्ष का होगा जिसमें परफॉर्मेंस के आधार पर 1 वर्ष और बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। और कुल पद कितना होगा मैं बता चुका हूँ, 170,461, जिसमें प्राइमरी टीचर का 79,943, माध्यमिक टीचर का 39,916 और उच्च माध्यमिक टीचर का 57,657,602 पोस्ट है। टोटल मिलाकर ये पोस्ट रखा गया है 57,602। विषयवार निर्धारित रिक्तियों का विवरण देखने के लिए दिए गए लिंक की मदद लें, ठीक है। यहाँ पे लिंक भी दिया हुआ है, इसमें आप जाकर पूरा डिटेल आप ले सकते हैं, ठीक है। इस पे आवश्यक योग्यता क्या है कि कक्षा 1 से 5 तक प्राइमरी टीचर के लिए इंटरमीडिएट के साथ डीएलएड और सीटेट या बिहार टीईटी पेपर 1 पास करने वाले आवेदन कर सकते हैं। कक्षा 9 से 10वीं के लिए ग्रेजुएशन, बीएड और एसडीईटी पेपर 1 पास उम्मीदवार आवेदन के पात्र हैं। 11वीं एवं 12वीं के लिए पोस्ट ग्रेजुएट, बीएड और एसटीईटी पेपर 2 पास होने की योग्यता मांगी गई है। कंप्यूटर विज्ञान विषय के लिए बीएड की योग्यता अनिवार्य नहीं है। उम्र में 8 साल की छूट मिलेगी। वर्ष 2012 से पहले नियोजित शिक्षक जो दस्ता परीक्षा पास है उन्हें बिहार टीईटी, सीटीट या एसटीईटी पास होने की जरूरत नहीं है। अगर कोई अभ्यर्थी तीनों पदों की योग्यता रखता है तो वह तीनों पदों के लिए आवेदन कर सकता है। तीनों पदों के लिए परीक्षा अलग अलग दिन होगी। आयु सीमा क्या है, प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं मध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए 21 वर्ष है। अधिकतम आयु सीमा अनारक्षित वर्ग के लिए 37 है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है, ठीक है, पिछड़ा वर्ग की महिला एवं अनारक्षित महिला के लिए 40 वर्ष और अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए 42 वर्ष है। आरक्षण का लाभ केवल बिहार के मूल निवासियों को मिलेगा, ठीक है। साथ ही साथ ऐसे आवेदन आपको करना है, आवेदन करने के लिए ऑनलाइन फॉर्म बीपीएससी के एप्लीकेशन पोर्टल यानी ऑनलाइन bpsc.bihar.government.in पर 15 जून 2023 से लेकर उपलब्ध होगा, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 12 जुलाई 2023 रखी गई है।
के लिए इस साइट पर आप जाकर इसका पीडीएफ जो है आप इस लिंक से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और डेट याद रखना 15 जून से स्टार्ट है, 12 जुलाई तक है, तो शुरुआती दौर में ही भर देना है। जो लोग भी इस आवश्यक इस योग्यता के अंदर आते हैं वो जरूर इस पद के लिए अपना आवेदन दे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा पद के लिए यह योग्यता मांगी गई है, मतलब चयन आया है, ठीक है। तो एक अच्छा मौका है, जो लोग ने भी ये सब डिग्री वगैरह इस डिग्री के अंदर में आते हैं वो जरूर से जरूर इसको भरें, ठीक है, बहुत ही अच्छा है ये। जाने चयन प्रक्रिया के बारे में, चयन प्रक्रिया कैसी होगी वो भी बता दूँ। तो शिक्षण के इस पद के नियुक्ति के लिए चाहे माध्यमिक से की जाएगी, परीक्षा का आयोजन 19, 20, 26 और 27 अगस्त 2023 को किया जाएगा। परीक्षा भाषा सामान्य अध्ययन विषय एवं सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रश्नों पर आधारित होगी। भाषा का एक सामान्य प्रश्न पत्र होगा। 100 अंकों का यह प्रश्न पत्र सभी वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य होगा, जिसमें सभी अभ्यर्थियों को पासिंग मार्क्स लाने होंगे होगा। परीक्षा के नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान भी है, लेकिन क्वालिफाइंग पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। कक्षा 1 से 5 तक प्राइमरी टीचर पद के लिए SCCIT का सिलेबस मान्य होगा। वहीं कक्षा 9, 10, 11, 12 में NCERT का सिलेबस मान्य होगा। परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों का इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। परीक्षा का पैटर्न को विस्तार से समझने के लिए दिए गए लिंक की मदद लें, ठीक है। तो कुछ भी अगर दिक्कत होता है आप इस लिंक पर भी जाकर अपडेट ले सकते हैं। वैसे काफ़ी जितने भी इम्पोर्टेंट जो भी चीज़ें मैं यहाँ पर ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, तो जो भी योग्यता है अगर इस योग्यता के अंदर में अगर आप आते हैं तो एकदम इसे फॉर्म भर ही दीजिएगा, क्योंकि बहुत अच्छा ये मौका है, ठीक है। हमेशा ये इतना पद के लिए हमेशा भर्ती नहीं होती है, इस बार ये मौका है। तो जो लोग भी शिक्षण के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छा एक प्लेटफॉर्म है, बहुत ही अच्छा एक करियर ऑप्शन है, अगर जो भी इसमें आते हैं वो एकदम जरूर से जरूर इसे भरें। और ये भी नहीं, अगर जो लोग सभी में योग्यता में आते हैं, यह दिया भी गया कि तीनों में ही आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। प्राइमरी टीचर के लिए भी, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक टीचर के लिए भी आप भर सकते हैं तीनों, अगर आप तीनों की योग्यता में आप आते हैं, दायरे में आते हैं तो, या नहीं आप जिसमें आते हैं उसमें आप भरें, ठीक है। तो आई होप सारी जानकारी आपको मिल गई होगी। डेट के अनुसार ही फॉर्म भरें, ठीक है, 15 जून से 12 जुलाई तक शुरुआती दौर में ही भर दें, और ये पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिल सके। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद। और सभी जानकारी आई होप आपको मिली गई होगी।